खबर आ रही है वो है बीजेपी की अहम बैठक को लेकर। तो आपको जानकारी दे दे, दिल्ली में ये बैठक होने वाली है, दिल्ली चुनाव को लेकर कहा जा रहा है आज की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा से बीजेपी के जो 15 दिग्गज नेता हैं वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। कल भी बैठक हुई थी, आपको बता दें आज एक बार फिर से बैठक है बीजेपी मुख्यालय में, आज की ये बैठक होने वाली है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, बीजेपी की बैठक भी आज दिल्ली में होने वाली है, चुनावों को लेकर काफी कुछ तेजी दिख रही है, साथ ही क्या चर्चा इस बैठक में इस बात को लेकर भी हो सकती है कि क्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन होगा या नहीं होगा? देखिए बिल्कुल, आज बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है और बैठक में 15 जो दिग्गज हैं प्रदेश के, बात करें बीजेपी के, वो तमाम दिग्गज आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री राजेंद्र जीत की बात करें, और सुनीता दुग्गल सांसद की बात करें, गृह मंत्री अनिल विज की बात करें, तमाम वो दिग्गज जो चेहरे हैं प्रदेश के वो आज इस बैठक में रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम बातें की जाएंगी। और माना ये जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह से कल बैठक की गई उसके बाद कहीं ना कहीं बैठक में जो फीडबैक रहा उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। हालांकि पहली मैराथन की बैठक कल थी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, और 17 विधानसभा ऐसे हैं जिस पर हरियाणा की ड्यूटी लगाई गई, हरियाणा के बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, और यही वजह है कि कल भी बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन कल बैठक में जो प्रदेश के नेता थे वो मौजूद थे। आज की बात करें तो आज इस बैठक में जो बीजेपी के आला हाईकमान है वो तमाम लोग रहने वाले हैं। हालांकि अनिल जैन भी रहेंगे, प्रदेश प्रभारी हरियाणा के वो भी रहने वाले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हो सकते हैं इस बैठक में। तो कहीं ना कहीं जो आज की बैठक बुलाई गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर काफी है, और इसमें एक खास विषय पे भी हो सकता है चर्चा हो जाए, क्योंकि जेजेपी बीजेपी जिस तरह से गठबंधन की बात आ रही है और ऐसे में अभी तक किसी की तरह से पहल नहीं की गई। हालांकि जेजेपी ने पहले कह दिया था कि हम गठबंधन कर यदि बीजेपी चाहेगी तो हम करेंगे, इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बयान आया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद कहा कि उनकी आला हाईकमान से मुलाकात होगी दुष्यंत की, और आने वाले समय में सीटों के ऊपर बंटवारा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन अब की बात करें तो पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है, 57 सीट ऐसे हैं जिसपे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे, हालांकि वो तमाम सीटें भी हैं जो दिल्ली के बाहरी एरिया में पड़ते हैं जिसपे जेजेपी की नजर थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक के बाद जेजेपी बीजेपी को लेकर क्या रुख रहने वाला है बीजेपी का, और तमाम जो मुद्दे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उसके बारे में क्या फीडबैक लेते हैं बीजेपी के नेता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो दिल्ली चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है, आज तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर सस्पेंस अब भी बरकरार है और दोनों पार्टियों की बैठकें भी लगातार जारी हैं, और आज एक बार फिर से ये बैठक होने वाली है।